हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल एकेडमी। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज में पॉसेट में हैश डायग्राम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हमने बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए होंगे ताकि आपको आगे के ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट इन लैटाइस। इससे आगे की वीडियो में हमने कंप्लीट और बाउंडेड लैटाइस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि कंप्लीट और बाउंडेड लैटाइस के डेफिनेशन का हम यहाँ पे कहीं पे यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक देखेंगे कॉम्प्लीमेंट इन लैटाइस। डेफिनेशन क्या कहती है? लेट एल बी अ बाउंडेड लैटाइस। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमको आ गया कि हमारे पास जो है वो बाउंडेड लैटाइस होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? For any element A belongs to L, if there exist any other element B belongs to L। मतलब हमें को एक एलिमेंट लिया है और उसके रिलेटेड अगर मेरे पास कोई दूसरा एलिमेंट है जो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। A join B equal to the greatest element, ये जो I है वो हमारा greatest element होता था, और A meet B zero, that is हमारा least element होता था। Then B is called complement of A। और हम जानते हैं कि मीट और जॉइन ये दोनों जो है वो कम्यूटेटिव है। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लैटाइस वाले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था। तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट अगर बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी ए होगा। ठीक है, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, बी जॉइन ए कर दीजिए या तो फिर बी मीट ए कर दीजिए, ऑपरेशन का आंसर हमें सेम ही मिलेगा। तो मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट अगर बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी ए ही होगा। तो देखते हैं इसको डायग्राम में कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास सेट है 1 2 3 5 30, रिलेशन है डिवाइड्स। पहले इसका हैश डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें हम उसका मीट और जॉइन चेक करेंगे। ये हो गया हमारा डायग्राम। तो इसमें हम देखते हैं, हम सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जैसे कि 1, तो 1 का कैसे एलिमेंट के साथ मीट किया जाए कि मुझे आंसर है जो वो 1 मिले। ठीक है, और 1 का कैसे एलिमेंट के साथ ज्वाइन किया जाए जो कि मेरे को आंसर 30 मिले। अब आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि जो 1 है ये हमारा हो जाएगा 0 और ये 30 जो है वो हमारा हो जाएगा आई। तो देखते हैं 1 का अगर मैं 1 के साथ मीट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 0, और 1 का अगर मैं 30 के साथ ज्वाइन करती हूँ तो मुझे मिलेगा आई, दैट इज 30। तो हम देख सकते हैं कि जो ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो जहां पे भी बाउंडेड लैटाइस होगा वहां पे एटलीस्ट एक आपको कॉम्प्लीमेंट पेयर तो मिलेगा ही, जहां पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट पेयर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। बाकी के हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले ना मिले हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो दोनों एलिमेंट है ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट आई एंड ओ वो ऑलरेडी दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। मतलब बाउंडेड लैटाइस हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट पेयर। ऐसा कभी कभी आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो अगर आप डेफिनेशन के टाइम, एग्जाम्पल के टाइम अगर आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते जाए, नोटिस करते जाए, तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली वो क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता था। देखते हैं आगे कौन सा एलिमेंट हमारे पास, 2। अब 2 का ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ मीट किया जाए जिससे हमें आंसर मिले 1, और 2 का ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ ज्वाइन किया जाए जिससे हमें आंसर मिले 30। तो हम देख सकते हैं 2 और 3 दोनों का हमको ज्वाइन मिल रहा है 30, 2 और 3 दोनों का हमको मीट मिल रहा है 1। लेकिन हम देख सकते हैं कि 2 और 5 इन दोनों का भी हमको मीट मिल रहा है 1 और ज्वाइन मिल रहा है 30। मतलब कि 2 के 2 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे 3 एंड 5, ऐसे ही 3 के भी 2 कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे 2 और 5, 5 के भी हो जाएंगे 2 और 3, क्योंकि आपस में कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है। अभी हम सिर्फ उसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमको किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है।
ठीक है, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, हम अभी सिर्फ एक छोटा सा प्रोसीजर देख रहे हैं। अब इसी डेफिनेशन का यूज करके हम आगे के बाकी के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, तब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ पे और कैसे मैटर करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हम दो अलग अलग एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 देखते हैं। हो गया इसका डायग्राम। अब मुझे ऐसे एलिमेंट के पेयर चाहिए जिन दोनों का ज्वाइन करने से मुझे ग्रेटेस्ट मिले दैट इज 1, और मीट करने से मुझे लीस्ट मिले दैट इज 4। ठीक है, तो ये दोनों जो है आई एंड ओ, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। 1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, 4 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। अब बीच वाले दो नंबर का देखते हैं, 2 और 3। अगर 2 और 3 का अगर मैं मीट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 3, और अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2। मतलब हमको ग्रेटेस्ट और लोएस्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा, मतलब कि हमारे पास 2 और 3 का कोई कॉम्प्लीमेंट ही अवेलेबल नहीं है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी लटाइस के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ठीक है, दैट इज वैलिड, वो लटाइस तो कहलाएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर दो एलिमेंट का हमारे पास कोई कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, D18 एंड डिवाइड्स। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, पहले तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 ड्रॉ कर लेते हैं। अगर 2, 3, 6, 9, 18 3 इज कनेक्टेड टू 6, देखते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ये हो जाएगा हमारा लीस्ट। 18, 1, 1, 18 दोनों एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब देखते हैं 2 का अगर 3 के साथ हम मीट करते हैं तो 1 मिलता है, सही है, लेकिन 2 का 3 के साथ अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन मतलब होता था हमारा लीस्ट अपर बाउंड, और मीट मतलब होता था हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये चीजें आपको अब याद रह गई होगी, तो इसलिए मैं आपको बार बार उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मीट और जॉइन से हम सारी चीजें समझेंगे। तो 2 और 3 का जॉइन हमें मिलेगा 6। 6 इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो मतलब 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 तो नहीं है। अब आगे बढ़ते 2, फिर रहते 9। 2 एंड 9 मैं उसका मीट कर रही हूँ, मीट मतलब हम नीचे जाएंगे, एक स्टेप नीचे जाएंगे, और जहां पे भी ये दोनों मिलना चाहते हैं नीचे, वो आपका हो जाएगा मीट। तो ये दोनों 1 पे मिलना चाहते हैं, तो मतलब मीट हो गया 1। 2 एंड 9 ऊपर जाएंगे, ये दोनों कहाँ पे जाके मिलना चाहते हैं, 18 पे, तो ये उसका हो जाएगा जॉइन। मतलब 2 और 9 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब देख सकते हैं डायगोनली ऑपोजिट आपके कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, तो मतलब जहां पे भी आपकी सेम लेवल पे आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो आपको उसके ऊपर के लेवल पे देखना है, यहां पे भी ना मिले तो आपको उसके ऊपर के लेवल पे देखना है, जहां तक भी आपका हैश डायग्राम आगे बढ़ रहा है। तो एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए कि आपको हर एलिमेंट के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप सेम लेवल पे जाइए, फिर एक लेवल ऊपर पे जाके देखें कि वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो ये हमको एक पेयर मिल गई 2 एंड 9। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 और 6 का हमको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 का 2 के साथ भी हमने देख लिया, 3 का अगर 6 के साथ हम मीट करेंगे तो 3 खुद आएगा, ज्वाइन करेंगे तो 6 खुद आएगा, 9 के साथ करेंगे तो भी वही आएगा, अगर 3 का 18 के साथ करेंगे तो उसका मीट 3 हो जाएगा, उसका मीट 1 नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं 6 और 3 इन दोनों का भी कोई कॉम्प्लीमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हमने काफी एग्जाम्पल देख लिए, एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं। हमारे पास ए है, ए बी, हमारे पास रिलेशन है पावर सेट ऑफ ए एंड सबसेट। तो इसका हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करते थे अगर आपको याद होगा तो, पाई ए बी और ये हो जाएगा ए बी। तो ये जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया हमारा जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट, और ये हमारा लीस्ट एलिमेंट हो गया जस्ट लाइक अ 5। ये हमने बाउंडेड लटाइज वाले में देखा था, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और जो लीस्ट एलिमेंट है वो हमारा 5 की तरह हो जाएगा, अगर हम इसको सेट थ्योरी के साथ कंपेयर करें तो। तो ये दोनों तो हो गया। अब ये जो ए है उसका अगर हम बी के साथ अगर मीट करेंगे तो हमको मिलेगा 5, दैट इज लीस्ट एलिमेंट। ए और बी का अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा
ए बी दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट. आप जो भी बोले तो मतलब कि ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग सा कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लेटाइस में हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट हमको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा हम बार हमको कॉम्प्लीमेंट मिले. लेकिन हमने इतनी सारी खिचड़ी पकाई क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, ये करना है, वो करना है. तो आगे का एक टाइप ऑफ लेटाइस आता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस. कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस क्या कहता है, दैट एवरी एलिमेंट must have a complement. तो इसको हम बोलेंगे complemented lattice. मतलब कि एक या तो फिर एक से ज्यादा हो. यहाँ पे नंबर नहीं बोला है कि मेरे को एक एलिमेंट के पर्टिकुलर इतने ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए. नंबर कहीं पे मेंशन नहीं किया है, बस इतना ही है, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है कि यूनिक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए या तो फिर मल्टीपल होना चाहिए. मतलब कि अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी है और अगर पूरे लेटाइस के सारे एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो वो आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस. तो हम इस बाइस आपको जानने के लिए हमने इतना सारा प्रोसीजर किया और हमको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस क्या होता है. तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी लेटाइस में पर्टिकुलर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं और अगर सारे एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट्स हमको मिल जाते हैं हम उस पूरे लेटाइस को कॉम्प्लीमेंटेड लेटाइस करके बुला सकते हैं और उसका यूज क्या है वो हम आगे देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.